नमस्कार, खबर 365 न्यूज में मैं हूं अंशिता सिंह और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक खास शख्सियत से, एक ऐसे शख्स से जो कई अभिनेताओं और नेताओं, सनी देओल से लेकर दर्जनों अभिनेताओं की आवाज निकाल सकता है। बिहार मुजफ्फरपुर के एक छोटे से इलाके में रहने वाले बड़े से स्टार से आज हम आपको मिलवाएंगे और उनकी कला का प्रदर्शन दिखाएंगे। तो आइए हमारे संवाददाता के तरफ से उनसे बातचीत करते हैं, मिलवाते हैं आपको उनसे और उनकी कला आपको दिखाते हैं। भाई सिंगर इंद्रजीत अकेला बहुत मशहूर है घातक की। ये मजदूरों का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। अरे क्या बात है, अच्छा है, आगे मेरे मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जबाने ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। नमस्कार, मैं रूपक कुमार, आप देख रहे हैं खबर 365 न्यूज बिहार और झारखंड। आज मैं मौजूद हूं अभी एक ग्रामीण इलाका में, जो एक कलाकार से मैं मिलवाने जा रहा हूं, जो कई नेता सहित अभिनेता का आवाज अपने सुरीली से निकालते हैं। चलिए मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं और आपको भी मिलवाने की कोशिश करता हूं, आप देखते रहें दिल थाम कर। जी मैं चलिए आपको मिलवाते हैं उस कलाकार से। जी तो अभी मेरे साथ मौजूद है एक छोटा कलाकार जो ग्रामीण कलाकार है। अच्छा तो आप अपने दर्शक के लिए क्या कहना चाहेंगे, अभी आपको दर्शक देख रहे हैं। जी सभी को प्रणाम नमस्कार, और आप लोगों के छोट भाई सिंगर इंद्रजीत अकेला और आप लोगों के बीच में ऐसे नए नए आवाज और नए नए गाने लेके आएंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अरे क्या बात है, अच्छा है, आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जबाने ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा फिर ये भाई मेरा मुझे नीचे उतरेगा, अब चाचा करते घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। अरे कुछ नहीं कहना तुमसे, अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है, गुलामी करने की आदत पड़ी है, करो भाई करो जो करना है करो, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ढिमका, मैं फलाना, एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है लेकिन लाठी के भाड़े को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था स्कूल में तीसरी में, क्यों समझा रहा आप सबको, पागल है, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमागों में, क्यों बातें कर रहा हूँ पत्थरों से, हंसो हंसो, ऊपर से ऊपर वाला भी देखता होगा तो उन्हें भी शर्म आती होगी, मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, नीचे झक कर देखा तो कीड़े बन गए, क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं, आए गए खेल खत्म। अरे कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पे काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बातों को, सब मुर्दे सब लाशे किसे जगाती, मैं जाग गया, आज मीडिया के सामने लाइव लोगों को हंसा रहा हूं, ए चल फांसी ला। आपने सुना अभी इन्हीं की जुबानी और इन्हीं की कहानी, जो कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिल रहा है इन कलाकार को, जो इनको कहीं कहीं आर्थिक तंगी हो या कहीं ना कहीं किसी तरह का सपोर्ट नहीं हो, नहीं तो इनके पास जो अभी हमको सुनने को मिला है बिल्कुल प्योर 100% नाना पाटेकर जी का ही आवाज़ निकाले हैं। चलिए आप लोग दिल थाम कर देखते रहे 365 न्यूज बिहार और झारखंड, और मैं और कलाकारों की आवाज़ सुनाऊंगा, बड़े बड़े हीरो का आवाज़ सुनाऊंगा, इन्हीं की जुबानी इन्हीं की कहानी। चलिए तो मैं आपसे अब सुनना चाहता हूँ सनी देओल का, वो भी सबसे प्रचलित और मशहूर फिल्म जीत का है जी। जो मैं उनसे सुना वही फिल्म का मैं आपसे डायलॉग सुनना चाहता हूँ, क्या आप निकाल पाएंगे? अपनी मर्जी से तो क्यों आई मेरी जिंदगी में, क्यों मुझे बदला, क्यों बनाया मुझे ऐसा, क्यों दिखाई वो खुशियाँ वो प्यार, ताकि आज तुम कह सको कि ये सब झूठ है और सच ये है कि तुम किसी और की बनना चाहती हो। काजल काजल तुम सिर्फ मेरी हो, हम दोनों के बीच कोई आए तो समझो वो गया तेल लेने। क्या ये सच में है जो इस फिल्म की डायलॉग जो आपने सुना है, कहीं ना कहीं आप कहीं किसी से प्यार कर रहे हैं क्या? इस नहीं नहीं बस फिल्म का आप कहीं अपने जीवन में तो नहीं उतारना चाह रहे हैं? नहीं नहीं बस मैं सब लोगों की हंसाने की काम कर रहे हैं, जो जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको हंसाने के लिए। चलिए तो अभी आपने सुना इन्हीं के जुबानी, ये पब्लिक के सिर्फ हंसाने की काम करते हैं, वो भी मशहूर कलाकारों की आवाज में। तो अब मैं आपसे अमिताभ बच्चन की बात आवाज सुनना चाहूंगा, क्या आप उनका भी आवाज निकालते हैं? सुने हैं उनका भी आप आवाज निकाल लेते हैं? चलिए सुनाइए, इस लॉकडाउन पर सुनाइए, जो अमिताभ बच्चन जो लॉकडाउन पर लोगों से सतर्क होने की बात कहे हैं, उनकी घर में जो लॉकडाउन कोरोना वायरस की संक्रमण फैल चुका था, उस पर आप बना पाएंगे? अरे भैया देखिए प्रणाम नमस्कार जी, मैं बिल्कुल अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, भाई साहब देखिए जो है जी बिल्कुल मेरे घर में 4 लोगों को कोरोना हो गया था जी, बिल्कुल हमारी पोती आराध्या को भी, तो भाई साहब देखिए जो है आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है भैया कि सावधान रहे, सतर्क रहे, और भाई साहब देखिए आपके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके मुँह पर मास्क जरूर लगाए, उनको सैनिटाइज जरूर करवाए, क्योंकि भाई साहब देखिए एक भी बच्चा छूट गया तो अपना जो है भैया आए सुरक्षा चक्र जो टूट जाएगा। अरे भाई साहब आप तो नाराज हो रहे भैया आज। जी तो अभी आपने सुना
कई बड़े बड़े कलाकार हीरो की आवाज़ में। अब मैं सुनना चाहूँगा इनसे एक अजय देवगन की आवाज़ में, जो हमारे फेवरेट कलाकार है, फेवरेट हीरो है। क्या आप अजय देवगन की आवाज़ में सुना पाएंगे? जी चलिए एक दिलवाले फिल्म का सुनाइए आप। हाय डाड़ा दिखाओ मुझे, इसमें कोई पागल नजर आता है, शिव है नहीं इसमें सारा जहां नजर आता है। तुम्हारे कहने का मतलब ये सारा जहां पागल है? तू पागल से बचने के लिए तो आके जेल में बंद हो गया हूँ, मतलब की बात करो। पुलिस वाला आइए 6457577 विक्रम सिंह नाम है इसका। शारिया तो मेरा नंबर है सर, दिलवाले तो बहुत देखे लेकिन प्यार में पागल हो जाए। वैसे दिलवाले को आज पहली बार देख रहा हूँ। हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ, चाह पानी कब था। तो अभी आपने सुना दिलवाले फिल्म का, एक जो मशहूर फिल्म है अजय देवगन की आवाज़ में, इन्हीं की जुबानी वॉइस के साथ। अब मैं इनसे एक आग्रह करूँगा जो आप एक दिल जले फिल्म का भी सुनाएं। जी सर बिल्कुल। आग जो दिल पे लगी है उसे दुनिया पे लगा दूंगा, जो तेरी डोली उठी चबाने को चला दूंगा। हर जो झूठ है फरेब है, हर जू का फरेब खाना नहीं, खुद जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें तो दिल कभी लगाना नहीं। क्यों बढ़ाती हो ये रेट का महल, चिरेक रोज खुद ही बिटाओगी। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल हमारा नाम तक भूल जाओगी। तो कहीं ना कहीं हम इन कलाकारों को देख रहे हैं जो कोई सपोर्ट ना मिलने के कारण, गरीबी स्थिति के कारण इनका अभी तक जो है आगे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और वो दर्द है आवाज़ में जो मैं अभी सुन रहा हूँ, कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ को जो है बहुत अच्छा जो है मिमिक्री कर रहे हैं, इनके आवाज़ में वो दर्द है जो मैं सुन रहा हूँ। चलिए मैं अब आपसे आग्रह करूँगा, जो अभी तक आपने अभिनेता की आवाज़ सुनाए हैं जी, हीरो का आवाज़ सुना है जी, एक सबसे फेमस शाहरुख खान है जिनको किंग खांग बोला जाता है जी, उनका भी आवाज़ आप मिमिक्री कर पाएंगे जी? थोड़ा सा करके बताइए उनका। नैना कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की थी, हर जर्रे जर्रे ने मिलाने की साजिश की थी। कहते हैं कि किसी चीज़ को अगर सच्ची शिद्दत से चाहो तो उसे पूरी खैनात मिलाने में लग जाती है। अरे नैना मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूँगा और मरते दम तक। तो देखिए एक शाहरुख खान का भी आवाज़ निकालने में पूरे सफलता प्राप्त किए हैं और काफ़ी मेहनत के बाद जो है ये कहीं ना कहीं ये सब निकाल रहे हैं। हीरो के साथ आप अभिनेता का भी आवाज़ निकालते हैं नेता के साथ? जी लालू यादव जी हो गए, मैं उनका भी कर लेता हूँ। तो मैं सुनाना तो आप जो है हीरो के साथ साथ नेता के भी आवाज़ निकाल लेते हैं जी, उन लोगों का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस किए हैं। हाँ? मैं सुनाना चाहूँगा दर्शक को, अच्छा लगेगा। चलिए फिर आप एक लालू जी की आवाज़ में जो भाषण जी जी जो देते हैं जी, उनका आवाज़ निकालने की कोशिश करें आप। प्रणाम, बिहार पटना से लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं। और जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, बात करते हैं मारेंगे लोल पटा, चढ़ जाइएगा पोल पर बाबर बक। इस लॉकडाउन पर कुछ नहीं सुनाइए आप अपनी श्रोता के लिए जी। मित्रों भाइयों बहनों, अगर यह हिंदुस्तान वाले हमें सपोर्ट करे तो बस से 125 दिन और चाहिए आप लोगों से, कोरोना का नाम और निशान मिटा देंगे। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लॉकडाउन का पालन करें और मुंह पे मास्क और सैनिटाइज का यूज करें भाइयों बहनों जी। आपको कितने परसेंट रुचि है, कितना अच्छा रुचि लेते हैं गाना में जी? वही कहते हैं ना कि कोई भी काम अगर दिल से करो तो अच्छा ही होता है, तो मैं किसी भी चीज़ में मैं दिल से करता हूँ और सब पब्लिक के लिए कर रहा हूँ, ताकि हमारा पब्लिक हमारा दर्शक खुश हो कि भाई ये हमारा भाई है ऐसा कर रहा है। तो आप इसलिए दिल से काम करने के लिए 24 घंटा में सिर्फ 5 घंटा 4 घंटा ही सोते हैं जी, कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। आपको आज या कल उपलब्धि मिलेगी जी, ये हमारी बस वो पूरी टीम की शुभकामना आपके साथ है जी, बिल्कुल। हमारी पूरी टीम 365 न्यूज की शुभकामना आपके साथ है। कहीं ना कहीं हम आप में देख रहे हैं बहुत ही अच्छी कलाकारी कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी है जो कहीं आप पैसे की कमी हो या कहीं आपको कोई सपोर्ट नहीं हो? घर में मम्मी है और मैं हूँ और कोई सपोर्टर नहीं है, अभी मम्मी के साथ ही मैं रहता हूँ क्योंकि। अच्छा आप कितने भाई हैं?
जी वैसे तो हम चार भाई थे, तो एक भाई हमारा डेट कर गए, वो दिल्ली में भाभी रहती है। ओह सॉरी जी। तो बस मम्मी के साथ मैं अभी गांव में ही हूँ, लॉकडाउन है तो 5 महीना से बैठा हूँ, नहीं तो छोटा मोटा कुछ काम करते हैं। जी हमने एक माँ बेटे के ऊपर गाना गाया था जो खेसारी जी का गाना था, दिल ना लग गई हा, उसी पे मैंने माँ बेटा का गाना गाया है। हाँ हाँ हा, दिल ना दुख हा, हो मकना सतहा, दिल ना दुख हा, माई से बढ़कर के हुना होला भैया, माई से बढ़कर के हुना होला भैया, हो नव महीना कोखी में उत सबके पलली हो, कतनो भी दुख आइल उत सबके झेलली हो। तो चलिए कहने कहीं आपका हम आवाज भी सुने, गाना भी आपको सुना है, और काफी अच्छा गाना भी आप गा लेते हैं जी। अभी और आप अपना से गाना गाए हैं जी? अभी एक मेरा एक न्यू एल्बम आया है। वो क्या एल्बम का नाम क्या है आपका? मेला में माल दूसर पटाइम। अच्छा, मेला में माल दूसर पटाइम जी। मैं दो लाइन बोल सकता उस गाना, वो गाना को आप अपने ढंग से गाकर सुना सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अपने श्रोता के लिए आप थोड़ा सा गाकर सुना। बिल्कुल। तुरा किरी न मारे भूल जाई, अब तमेला माल दूसर पटाई। वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुनकर यह गाना। ये गाना आपने अपने से गाया है? जी जी, किसी सिंगर का गाना नहीं है। नहीं, क्या नाम अपने एल्बम को बताएं एक बार फिर अपने दर्शक से? मेला में माल दोसर पटाइम, मिस यू म्यूजिक। और मैं आपसे आग्रह करूंगा जिनका थोड़ा सपोर्ट करें और इनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि गरीब की एक बेटा है भोजपुरी में। मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो खेसारी लाल सुनते बहुत प्रचलित है जी, खेसारी लाल का आवाज आप निकाल पाएंगे? जी वैसे उनका मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया हूँ पब्लिक के लिए, लेकिन पब्लिक बोलती है कि सुनते हो तो बहुत मशहूर है जी, तो आप उनका भी थोड़ा सा आप जी मैं देना चाहूँगा उनका भी थोड़ा सा। घर में कहो बाजे नरचाह मादा, हनुमान प्रसाद का नमस्कार, नाव पर सलवार ना नीचे समझता, कहुना का बाटी हाई शरबत तमेज, आई हो दादा का प्रबाद लागत या पटवा बटोर ले बेकार है, वो का है ना तारा माई का चकवा पर चौखबा हलवाइया है ना, वो हमको भेज बोला है कि आपके घर में रसोईया का जरूरत है, तो हम नौकरी खींचने के लिए आ गए हैं, आ लगा के फेयर लवली जान ले भी कर पागली। चलिए मैं अब आपसे मैं अभी वर्तमान सांसद रवि किशन की बात कर रहा हूँ, अब तो वर्तमान सांसद हो गए हैं जी, और उनका भी आवाज आप निकाल सकते हैं जी? जी निकालने में सक्षम है आप, समझ लीजिए फिर। जी 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 ठीक भैया, प्रणाम नमस्कार, हम रवि किशन बोला तानी, और लोगन के बीच में आके ना एकदम खुशी लागल बा, एकदम मजा लागल बा भैया। कहल जाला ना कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, अरे खुदा ने हुस्न दिया है तो का मार डालोगी, और दिल हमको ना ही दोगी तो का ऐसा डालोगी, ए बाबू मनवा गदगद होगल बाटे हो, हर हर महादेव। तो चलिए एक अब आनंद मोहन जी सुनते हैं, जो मिमिक्री का वो जाने माने मिमिक्री का जी, वो एक बहुत बड़ी कॉमेडियन है और मिमिक्री का वो जहाँ तक मास्टर माने जाते हैं जी जी जी। आनंद मोहन के बारे में मैं सुन रहा हूँ कि मिमिक्री का वो एक बहुत बड़ी मास्टर है जी, तो क्या उनका भी आवाज निकालते हैं आप? जी मैं निकालता हूं। तो एक बार अपने दर्शक के उनके आवाज में आप वॉइस करके सुनाए। अरे आनंद मोहन ए बूढ़ी यार बा, अरे 3 घंटा से लघु शंखा रोक ले बन, अरे सोन सन बेहार बहटा, आ कोनो एक लोटा पानी के देनिहार नहीं घे, ए बूढ़ी अरे सुन डरू हो, बह मडे को बीड़ी पिया हो ना टा ढोटिए में हो जाए जी। जो माने जाने भोजपुरी जगत का मास्टर है मिमिक्री का, उनका आवाज हम इनके वॉइस से सुने हैं जी, वो बहुत बड़े भोजपुरी में एक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं और मिमिक्री का मास्टर भी माने जाने हैं आनंद मोहन जी, उनका भी आवाज कॉपी करके सुना दिए। चलिए कहीं ना कहीं इनको हम देखते हैं, हम हमारी पूरी टीम की 365 न्यूज का जो मेरे टीम है सभी तीनों की शुभकामना आपके साथ है जी। और मैं चाहूँगा आपको जो आप इसी तरह
मेहनत और लगन करें, कहीं ना कहीं आपको कभी नहीं कहीं लगन और मेहनत आपको रंग लाएगी जी। जो मैं कलाकारी मैं आपके अंदर जो मैं देख रहा हूँ, आप कहीं ना कहीं एक दिन अपने मंजिल तक प्राप्त होंगे। तो देखा आपने इस कलाकार की कलाकारी, अगर आप में भी ये टैलेंट है या कोई भी और टैलेंट है तो खबर 365 न्यूज से ज़रूर संपर्क करें। हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें और अपने टैलेंट के बारे में हमें बताएं। हम पहुंचेंगे आपके द्वार बातचीत करने और आपकी कला का प्रदर्शन दुनिया के सामने करने। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।